नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले शो कौन बनेगा करोड़पति को हर वर्ग देखना पसंद करता है। 24 अगस्त से टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 की शुरुआत हो चुकी है। केबीसी के इतिहास में कई ऐसे कंटेस्टेंट आए हैं जो कभी दर्शकों को हंसाते हैं तो कभी उन्हें रुला देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके दिलों में उतर जाते हैं। और ऐसी ही है हिमानी, जो आंखों से देख नहीं सकती लेकिन इसके बावजूद अपने आसपास अपने ज्ञान से वो रोशनी बिखेर देती है। और आज इसी खास शख्सियत से मिलने पहुंचा है प्राइम टीवी। तो चलिए हम आपको खास रिपोर्ट से मिलाते हैं कंटेस्टेंट हिमानी बुंदेला से। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है, और ऐसा ही कर दिखाया है आगरा की रहने वाली हिमानी बुंदेला ने। हिमानी वह पहली प्रतिभागी है जिनके सर पर केबीसी सीजन 13 की पहली करोड़पति बनने का ताज सज चुका है। लेकिन हिमानी की मुस्कुराहट पर मत जाइए, कौन बनेगा करोड़पति का सफर उनके लिए इतना आसान भी नहीं था। करोड़पति बनने वाली हिमानी आगरा से ताल्लुक रखती है। वो केंद्रीय विद्यालय में स्कूल टीचर है। सीजन 13 की पहली करोड़पति हिमानी बुंदेला 1 करोड़ रुपए के सवाल का सही जवाब देकर करोड़पति बन चुकी थी। हालांकि हिमानी 7 करोड़ के सवाल का जवाब नहीं दे पाई। वहीं हिमानी ने प्राइम टीवी से रूबरू होते हुए बताया कि जब वह 15 साल की थी तब से केबीसी में जाने की तैयारी कर रही थी। वे केबीसी में शामिल होने के लिए अक्सर मैसेज भेजा करती थी लेकिन बार बार मैसेज अनडिलीवर हो जाता था। लेकिन कुछ सालों से सोनी लिव की ऐप पर उन्होंने ट्राई किया और आखिरकार उनको हॉट सीट पर बैठने का मौका मिल गया। हिमानी को बचपन से ही केबीसी देखने का बेहद शौक था। जब वह 9वीं कक्षा में थी तो वह साथ वाले बच्चों के साथ जीके से जुड़े सवाल किया करती थी। अपने दोस्तों के सामने वह खुद को अमिताभ बच्चन समझती थी। इतना ही नहीं, बतौर टीचर भी वह अपने स्कूल में केबीसी जैसे प्रोग्राम आयोजित करती रहती थी ताकि बच्चों की रुचि जनरल नॉलेज की तरफ बढ़ती रहे। हिमानी स्कूल में सामान्य बच्चों को भी साइन लैंग्वेज सिखाती थी ताकि वह हर तरह से लोगों से कम्युनिकेट कर सके। हिमानी जिंदगी में एक बार अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठना चाहती थी और उनका ये सपना पूरा हो गया। शो में हिमानी का एक डायलॉग है जिसमें वह कहती दिखाई दी है कि आज जिंदगी का हर सपना साकार हो गया, आज मुझे सदी के महानायक का दीदार हो गया। इस बात ने अमिताभ बच्चन का भी दिल जीत लिया। वहीं हिमानी का कहना है कि विजीती हुई रकम से वह देश में स्पेशल बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहती हैं। इसके साथ ही वह पिता के लिए बिजनेस भी खोलेंगी क्योंकि कोरोना काल में उनके पिता की जॉब जा चुकी है। इसी के साथ वह अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता, दोस्तों, गुरुजनों और स्कूल के साथियों को देना चाहती है क्योंकि सभी उनके लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। बनेगा करोड़पति सीजन 13 की
जो महिला खिलाड़ी हैं, आज हम उनसे मुलाकात करने के लिए उनके घर, उनके निवास पर आ चुके हैं। और आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये इस मुकाम तक कैसे पहुंची और इनके जहन में क्या कुछ ऐसा रहा जो कि पेशे से जो कि टीचर हैं, फिर भी ये कौन बनेगा करोड़पति केवीसी खेलने के बाद में। पहले ही हफ्ते में, सीजन 13 में पहले ही हफ्ते में इन्होंने 1 करोड़ की धनराशि जीत चुकी हैं और आगे भी इनकी तैयारी पूर्ण है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हिमानी बुंदेला जी मौजूद हैं और इनसे जानते हैं और इस मुकाम तक इनका ये जो सफर है कैसा रहा। सबसे पहले मैम नमस्कार, थैंक यू। और मेरा नाम हिमानी बुंदेला है। हाँ जी, जैसे कि अभी आप पूछ रहे थे कि इतना लंबा सफ़र कैसे किया, मैम केबीसी का जो सफ़र है वाकई में बहुत लंबी जर्नी है, बिकॉज बहुत छोटी सी इसका सपना देखा था तब जाके अच्छा कर पाया है। जी सर, आपके जहन में कब से ये सपना जाग रहा था और कब से था कि मैं केबीसी खेलूं और जीतने का ये ख्वाब था आपके? मुझे लग रहा है लगभग मैं 5-6 साल की थी तब टीवी में देखा था और उसी दिन डिसाइड किया था, जब फर्स्ट टाइम देखा था कि एक दिन मुझको भी सोनी टीवी में जाना है और अमिताभ सर से मिलना है, हॉट सीट पर बैठना है। बस वो जो डिसीजन था उसी की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बिकॉज बीच में मैं अपना फ्रेंड्स के संग भी केबीसी खेलने लगी थी जब मैं छोटी थी और उसमें खुद अमिताभ सर बनती थी, और उसके बाद ट्यूशन पढ़ाती रही तो जीके अपडेट होता रहा, नॉलेज बढ़ती रही। जब केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए तैयारी किया तब भी मेरी जीके हमेशा बढ़ती रही, और फिर अब मैं टीचर हूँ तो मुझे अपडेट रखना ही पड़ता है अपने आप को। तो मतलब जीके का फ्लो काफ़ी टाइम से बना हुआ था। जिस तरह आप पहली बार हॉट सीट पर बैठी और अमिताभ बच्चन से मुलाकात हुई, उनसे मुखातिब हुई, तो आप उस समय कैसा फील कर रही थी, किस तरह का लग रहा था? मैम वो फीलिंग मुझे लग रहा है शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मतलब अभी भी मैं सोचती हूँ ना तो मेरे फेस पर बहुत अच्छी सी स्माइल आ जाती है। बिल्कुल ड्रीम, एकदम सपना जैसा था कि अमिताभ सर के सामने, अमिताभ सर मेरे सामने थे और मैं हॉट सीट पर बैठी हुई थी। मतलब जो एटमॉस्फेयर था ना, मुझे लग रहा था सब कुछ ऐसे ही स्टॉप हो जाए, अमिताभ सर ऐसे ही बैठ के बोलते रहे और मैं भी यहाँ ऐसे ही बैठी रहूँ, कुछ आगे ना बढ़े टाइम, ये आ चुका था मैंने। बहुत ज़्यादा वंडरफुल एक्सपीरियंस था। जिस तरह के आप अमिताभ सर के वहाँ पहुँची केबीसी में खेलने के लिए, तो उस समय आपने कुछ लाइनें बयां की थी, कुछ लाइनें बोली थी, मैं चाहूँगी मेरे दर्शकों को आप थोड़ा सा बोल के सुनाएं तो उनको भी अच्छा लगेगा। हाँ, मैंने अमिताभ सर के लिए 2 लाइन ज़रूर बोली थी, लाइन तो और भी बोली थी बट मैं 2 बता देती हूँ जो बहुत अच्छी वाली मुझे भी लगी। वो ये थी, आज जीवन का हर सपना साकार हो गया, आज जीवन का हर सपना साकार हो गया, आज मुझे सदी के महानायक का दीदार हो गया। बहुत अच्छा मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपका ये सपना था, एक ड्रीम था कि अमिताभ बच्चन से आप भी मुलाकात करें, मिलें, हॉट सीट पर बैठें, तो आप इस चीज़ का श्रेय किसको देते हैं? क्या मानते हैं कि ये जो आपकी सफलता थी केबीसी पे पहुंचने के लिए, हॉट सीट पर बैठने के लिए, ये जो आज आपने 1 करोड़ का जो धनराशि जीती है, तो उसके लिए आप किसको श्रेय देती हैं? कौन रहा आपके साथ में कि जो आपको इतना प्रेरित करता रहा? मैम सबसे पहली बात, आज मैं यहाँ पर जो भी हूँ एज ए टीचर और केबीसी में भी मेरा जो भी रेस्पॉन्स रहा, पूरा का पूरा श्रेय मेरे परिवार वालों को जाता है। मेरे मम्मी पापा के अलावा मेरे भाई बहन, हम 5 भाई बहन हैं, सबका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। और साथ ही साथ मेरे जयपुर वाले जो जीजू हैं, उनने हमारी लाइफ में और भी ज़्यादा, बोलते हैं ना, 4 चांद लगा दिए उनके आने से, ये हुआ। तो सबका मिला जुला कर, परिवार के संग संग मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे प्रोफेसर्स लखनऊ में जो यूनिवर्सिटी में थी वहाँ के प्रोफेसर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, केंद्रीय विद्यालय संगठन का मुझे बहुत सपोर्ट रहा। तो मिलाकर बोला जाए सबका इसमें बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था जिसकी वजह से आज मुझे ये मिल पाया है। जो आपने केबीसी से जो धनराशि जो प्राप्त की है, जो आपको जीतने के बाद हासिल हुई है, आप उस धनराशि का कहाँ इस्तेमाल करेंगी, क्या करेंगे? मैम धनराशि जितनी भी हो लेकिन मेरा डिसीजन बिल्कुल तय है और मुझे करना भी है। सबसे पहले मैम मुझे दिव्यांग बच्चों के लिए जो मैंने एक इंक्लूसिव कोचिंग सोचा हुआ है कंपटीशन पर्पस के लिए, वो मुझे स्टार्ट कराना है। इंक्लूसिव कोचिंग पता है क्या होता है मैम? जिसमें हम एक ही क्लास में हर टाइप के दिव्यांग बच्चों को, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को, चाहे वो दृष्टि बाधित हो, श्रवण बाधित हो या ऑर्थोपेडिकली चैलेंज हो, किसी भी टाइप के उसकी प्रॉब्लम हो, लेकिन हम उसको उसी एक ही क्लास में UPSC और स्टेट PCS जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी करेंगे, और जिसमें उनके हिसाब से पूरा जो वातावरण होगा वो बाधा मुक्त रखा जाएगा, बैरियर फ्री रखा जाएगा।
तो ये थी हमारे साथ कौन बनेगा करोड़पति की एक, एक करोड़ जीतने वाली महिला खिलाड़ी, जिनसे हमने आज बात की और जाना कि ये इस मुकाम तक कैसे पहुंची, इनकी ये जर्नी कैसी रही, क्या क्या इनके साथ में किस किस का सहयोग रहा, तो ये सब इन्होंने हमें पूरा बताया। और ये जो एक करोड़ की जो धनराशि जीती है और उसका ये इन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये इस धनराशि का मैं साफ तौर से मेरा पहले से ही तय है कि मैं इन धनराशि को जो दिव्यांग बच्चे हैं चाहे वो किसी भी फील्ड के रहे हों मैं उनके साथ में इसको खर्च करूँगी। ममता भारद्वाज, प्राइम टीवी न्यूज़, आगरा। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।